नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुफ्त की राजनीति जोरों पर है। कोई मुफ्त राशन दे रहा है तो कोई बच्चों को लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहा है। और अब आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाते हैं तो 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में मुफ्त लोगों को दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 300 यूनिट बिजली दी कैसे जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नजरिए से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा घाटे में हैं। दूसरी अहम चीज यह है कि हमारा जो कंजप्शन है, हम रोज 3000 से 4000 यूनिट बिजली बनाते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी जो नीड है, जो जरूरत है, वो कितनी है। दरअसल हमारी जो जरूरत है वो करीब 25000 यूनिट की है। तो आप खुद समझ लीजिए कि 3 से 4000 यूनिट बिजली हम बनाते हैं और 21000 यूनिट बिजली हम बाहर से खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बिजली बाहर से खरीदने वाला प्रदेश है। इसके साथ यहां पर जो बिजली का दाम है वो भी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम 21000 यूनिट बिजली जो है वो बाहर से खरीदते हैं और इसी वजह से उसका जो दाम है वो महंगा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अगर नजरिए से बताया जाए तो जो बिजली कंपनियां हैं वो भी एक लंबे समय से घाटे में चल रही है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाहियां हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी प्रकार से कोई भी ठोस कदम इसको लेकर नहीं उठाया गया है। बहरहाल सरकार की तरफ से और कुछ जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से ये घोषणा की गई है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में मुफ्त दी जाएगी। एक और अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो सालाना कमाई करके देता है वो 50000 करोड़ का है। एक बड़ी रकम है, लेकिन दूसरी अहम चीज यह है कि उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है, जो बिजली कंपनियां हैं, वो 50000 करोड़ कमा कर तो देती हैं, लेकिन उनका खर्चा 60 से 70000 करोड़ रुपए है। मतलब 10 से 20000 करोड़ रुपए सरकार को अपने पास से देना पड़ता है। ये कमियां क्यों है, कहां पे ये कमियां आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या फिर जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग प्रयास यही किए गए हैं कि लोगों को इस बार का जो 2022 का चुनाव है उसमें कुछ ना कुछ मुफ्त जरूर दिया जाए। चाहे वो राशन की बात हो जाए जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो लैपटॉप की, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से लैपटॉप बच्चों को देती आई है, इस बार फिर से उन्होंने कहा है। इसके अलावा महंगाई भत्ता हो गया, बिजली की भी बात सपा की तरफ से करी गई है और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये जो मुफ्त की घोषणाएं हो रही हैं ये कितनी कारगर सिद्ध होंगी, और सिद्ध अगर होती हैं तो क्या ये अमल में लाई जा सकती हैं या नहीं। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर सभी दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब सभी दल जनता से मुफ्त के वादे करने लगे हैं। अगर जीते तो फलां चीज मुफ्त मिलेगी, फलां चीज का बकाया माफ किया जाएगा। बीजेपी से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव को लेकर लाख दावे कर रही है। कोई मुफ्त में बिजली दे रहा है तो कोई मुफ्त में पानी दे रहा है, कोई मुफ्त में राशन दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बीजेपी ने नौकरी का वादा किया तो वहीं सपा ने भी आपके तर्ज पर 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया है। बसपा ने ब्राह्मणों को न्याय दिलाने का वादा किया है तो वहीं ओवैसी के अपने अलग ही वादे हैं कि वो मुसलमानों को न्याय दिलाएंगे। अभी की तस्वीर पर नजर डालें तो पता चलेगा फ्री तो दूर, किसी को कुछ सस्ता भी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जियां दालें तक महंगी हो गई हैं। खाने वाले तेल के दाम दिन पर दिन आसमान छूते जा रहे हैं। क्या कोई सरकार कुछ फ्री दे सकती है या फिर फ्री देना इतना आसान है? पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने के सवाल पर कोई भी राजनीतिक दल सहमत नहीं हुआ। अगर होता तो जनता को कुछ राहत मिल जाती। इसी से पता चलता है कि राजनीतिक दलों के फ्री वाले दावे हवा हवाई हैं, क्योंकि चुनाव सच पर लड़ा जाता है ना कि ख्वाबों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
तो आज की इस डिबेट पर हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं और अपने अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ धनंजय शुक्ला हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मोहम्मद आजम खान प्रवक्ता सपा हैं, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इमरान लतीफ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे और इसके अलावा सुभाष यादव जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिये, उत्तर प्रदेश में अगर हम आपको बताएं तो हम में से कई ऐसे लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं और उनका अगर आंकड़ा बताया जाए तो वो करीब 20% लोग हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो 300 यूनिट बिजली देगी मुफ्त में अगर वो सत्ता में आती है। हालांकि सत्ता में आती है या नहीं आती है तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने एक कह जरूर दिया है क्योंकि इसी के बल पर उन्होंने दिल्ली में अपनी कहीं ना कहीं सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश में भी अब उन्होंने इस बात को कह दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जो बिजली का यूनिट है वो करीब 200 से 300 के बीच में आता है, मतलब इतने लोगों को बिजली का बिल जो होगा वो नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से 5 किलो राशन दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि भैया हम अगर सरकार में आ जाएंगे तो सब न्याय कर देंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बिजली हम भी मुफ्त दे देंगे, लैपटॉप भी दे देंगे, नौकरियां भी दे देंगे। और मायावती कह रही हैं कि हम ब्राह्मणों को इंसाफ दिलाएंगे। तो ये जो उत्तर प्रदेश में मुफ्त की राजनीति चल रही है, ये क्यों चल रही है और कितना कारगर सिद्ध होगी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अहम विषय, बहुत ही दिलचस्प विषय, हमसे जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं चलूंगा लतीफ साहब के पास क्योंकि इन्हीं की पार्टी ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में मुफ्त में दे देंगे। लतीफ साहब, ये बताइए, आपने दिल्ली का जो फॉर्मूला है वो उत्तर प्रदेश में लागू तो कर दिया है, कह दिया कि हम इसको लागू कर देंगे। आप सरकार में आते हैं या नहीं आते हैं ये भी नहीं पता, आपने ये कह दिया कि हम 400 सीटों पर चुनाव भी लड़ने वाले हैं, लेकिन अहम बात यह है कि करेंगे कैसे भाई। उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है वो इतना गंभीर घाटे में है कि उसको फायदे में कैसे लाएंगे और उसके बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना कैसे हो सकता है सब? देखिए नितिन जी, जब दिल्ली में हम लोग आए थे 2013 की पहली सरकार में और 2015 की दूसरी सरकार में, तो इसी तरीके से वहाँ की भी बिजली कंपनियां कंगाल थीं और हमने वहाँ पर करके दिखाया। आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है तो आम आदमी पार्टी ने चुनावों में जो वादा किया है उससे ज़्यादा करके दिल्ली के अंदर दिखाया है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, आप उत्तर प्रदेश से अगर तुलना करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली में तो एक यूनिट बिजली भी नहीं बनाई जाती है, हम सारी की सारी बिजली जो है वो बाहर से खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम 4000 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बनती है। और जहां तक फ्री देने की बात है तो पहली बात तो ये मुफ्त खोरी नहीं है। अच्छा। ये जो जनता का जो टैक्स की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, जो जनता गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देती है, ये उसको हम रिटर्न करने का काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। और जहां जहां हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी वाले राशन देते तब आप लोग क्यों नहीं, हमने कभी विरोध नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि जैसे हम बिजली फ्री में दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, और आज हम वादे कर रहे हैं जहां जहां हमारी सरकार बनेगी हम वहां पर बिजली फ्री में देंगे। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस भाजपा सब इसका अनुसरण करें, जहां जहां सरकारें हैं सब लोग बिजली फ्री दें, क्योंकि हम राजनीति की जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए ही आए थे। जहां तक देने की बात है कि कैसे हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो पूरा जो उत्तर प्रदेश का सिस्टम है इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, जो राजनीति में लोग बैठे हैं उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कमजोर है, उनकी नियत में चोर है। अगर सही तरीके से जो जिम्मेदारान हैं, जो यहाँ की राजनीति को गवर्न करने का काम करते हैं, अगर वो अपनी ये नियत कर लें कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री में बिजली देंगे तो बिल्कुल दिया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ नेक नियत तो और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। क्यों नहीं देना, क्योंकि यहाँ की राजनीति का अभी तक का जो सिस्टम रहा बिल्कुल अलग रहा है। यहाँ जात के नाम पर वोट मिलता रहा है, यहाँ धर्म के नाम पर वोट मिलता रहा है, यहाँ क्षेत्र के नाम पर वोट मिलता रहा है, अलग अलग यहाँ हथकंडे अपनाए जाते हैं जो कंपेरेटिवली आसान है। अच्छा। बिजली फ्री देने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे दिल्ली के अंदर हमने किया है। अच्छा। उसके लिए मजबूत नीयत की जरूरत पड़ेगी। यहाँ की राजनीति, यहाँ पैसे से राजनीति है, राजनीति से पैसा है, दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है। और आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में आ रही है तो जो मूल मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिला सुरक्षा, किसानों का जो कल्याण है, इन सारे मुद्दों को हम राजनीति के केंद्र में लाने का काम करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति होगी। चलिए ठीक है, मैं आपके साथी के पास चलता हूं। धनंजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। धनंजय जी, अगर आप लोग मूल सुविधाओं पर, मूल बातों पर काम करते तो शायद आप लोग भी बिजली मुफ्त दे सकते थे, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा ही आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका ये कहना है, आपके बगल में वो बैठे हैं। तो क्यों भाई, आप लोग क्यों नहीं इस तरह का काम कर रहे हैं कि जनता को कुछ सहूलियत मिल सके और अब दिल्ली की पार्टी को आकर उत्तर प्रदेश में घोषणा करनी पड़ रही है कि हम बिजली मुफ्त देंगे?
देखिए नितिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पहली बात तो देखिए इस तरह की जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अरे लॉलीपॉप क्यों है, वो कह रहे हैं कि हमने पूरा इसमें एक्सरसाइज लीजिए पहले, मैं वही तो बात पूरा करने दीजिए ना मुझे। देखिए रहा सवाल देखिए फ्री देने का, तो देखिए हमारी सरकार विकास की बातें करती है, जो ये बातें कर रहे हैं पहले से जो हमें जहां उचित लग रहा है सरकार विकास की बातें करते हुए दे रही है। हम सबका साथ सबका विकास के साथ आज हम जो है गांव हो चाहे बिजली हो, सौभाग्य योजना के तहत हमने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त कनेक्शन दिया है और आज बिजली भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, देखा जाए तो राशन भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो आपके प्रवक्ता साहब जो कह रहे हैं ये साहब भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मूल ही व्यवस्था को देखकर आज आप वाले भी उसी फार्मेट पर चल रहे हैं। अगर सवाल लीजिए कोरोना को लेके, तो कोरोना में देखिए आज हमारे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ से ज्यादा आबादी आ रही थी, जिनमें मात्र 20 हजार या 20 जो भी इसमें कंफ्यूज हो इसमें लोग खत्म हुए, मगर देखिए दिल्ली में जाके देखिए, तो हमने पूरा विकास का ही मॉडल आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में विकास के मॉडल पे ही काम कर रहे हैं और हमारी सरकार फिर दोबारा विकास के मॉडल को ही लेके हम इस बार भी पुनः सरकार बनाएंगे। तो ये लतीफ क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए पैसे की राजनीति और राजनीति, नितिन जी अब इनका अपना क्या मुद्दा है, किस विषय पे बोलना चाहते हैं ये अलग विषय है, मगर अगर रहा सवाल मुख्य देखिए फ्री में जो जहां सरकार को उचित लग रहा है सरकार उस चीजों को दे रही है। अगर जहां पे आज जमाखोरी खत्म हो गया, आज जमीन पे जाके देखिए जो लोग परेशान रहते थे आज की डेट में देखा जाए चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे जवान पीढ़ी हो चाहे किसान हो सब अपने सेल्फ डिपेंड है और सरकार हमारी यही चाहती है कि सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और खड़े होने के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में सबसे भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सरकार हमारी विकास का ही काम कर रही है। और यहाँ ये देखिए कोरोना के काल में हमने राशन भी मुक्त दिया, पैसे भी किसान के निधि के इनको अकाउंट में जनधन खाते के तहत हमने दिया। इसके पहले जो सरकार रही है चाहे कांग्रेस सरकार रहा हो या जो भी सरकार सपा रही हो, आप तो मान लीजिए चलिए अभी लाइन में आई हुई है, मगर हम उन सब की बातें बता रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले बताते हैं लोग कि देश के जो कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि किसानों तक पैसा पहुंचते 22 पैसा पहुंचता था, आज देखिए वहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पैसा डालते हैं सीधा अकाउंट में जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि विकास को ही बातों को हम काम कर रहे हैं और विकास तो इनके दावों का कुछ होगा अब इनके बस... देखिए मैंने क्या बोला, इनका दावा देखिए सरकार है, देखिए एक जो हमारा भारत संविधान है स्वतंत्र भारत है, सब यहाँ पे अपना अधिकार दे सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, उसी के विश्वास के साथ हम पुनः सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, आजम खान साहब मैं आपके पास आऊंगा, ये बताइए जब उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है, उत्तर प्रदेश में सबको आत्मनिर्भर बना दिया गया है जैसा धनंजय भी कह रहे थे, तो आप लोगों को समस्या क्यों है? और आम आदमी पार्टी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे तो आप लोगों ने भी वही घोषणा कर दी, क्या दिक्कत? नहीं, हम लोगों की घोषणा पहले है पहली बात, और विकास इन्होंने किया है, विकास किसमें किया है, 130 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को ये फ्री राशन दे रहे हैं, इन्होंने गरीबी में विकास किया है, इन्होंने विकास किया है उसमें 22 करोड़ जनता में 16 करोड़ जनता को ये राशन दे रहे हैं। आप बताइए, इनके बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं कि 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में मुफ्त राशन, तो गरीबी में विकास हुआ ना कि जमीन पे विकास हुआ, विकास हुआ होता तो कोई बात नहीं थी, सबको दिखता, आपको दिखता, हमको दिखता, भ्रष्टाचार में विकास हुआ है, कोरोना में काम नहीं किया इन लोगों, कोरोना में काम किया है तो आपने देखा, आपने देखा है गंगा में जो लाशें बही हैं, चाहते हैं कि मैं चलिए एक बात लाशें बही हैं वो कोरोना की ही हुआ, गांव में पहले बिजली पहले कोरोना में जो लाशें बही हो क्या किसकी थी? आज की डेट में गंगा में जो लाशें बही हो किसकी थी? जिला हो कोरोना के ही टाइम घंटे बिजली दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने गड्ढा मुक्त कर दिया, गड्ढा और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बड़ी हमको प्रधानमंत्री हर 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 माननीय योगी जी की बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन मुफ्त दिया, आप बताइए जब 80 करोड़ लोग गरीब हैं देश में तो विकास कहाँ हुआ? अगर विकास हुआ होता तो गरीबी नीचे आनी चाहिए थी ना, 80 करोड़ का मतलब 60 से 65% जनता गरीब है, फ्री राशन की उसको जरूरत है,
क्यों जरूरत पड़ी? हम भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत को क्या 5 किलो राशन चाहिए? आत्मनिर्भर भारत को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत होता तो वो 5 किलो राशन दे सकता था, बल्कि सरकार को योगदान देता। प्रधानमंत्री आवास योजना, सवाल ये नहीं, मैंने जाति और धर्म की बात नहीं करी, मैंने तो ये कहा कि आपने गरीबी बढ़ाई है। हमारा विकास सिर्फ गरीबी बढ़ाई है भाई, हमने कह तो रहे गरीबी आपने बढ़ाई है, और इसलिए अब जो कि जन कल्याणकारी सरकार है, हम लोग कल्याणकारी स्टेट हैं, कोई डिक्टेटरशिप स्टेट नहीं है। अच्छा, कल्याणकारी तो स्टेट का काम वाला फॉर्मूला आपको कहां से आया कि अब भैया इसको लाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि गरीबी इन्होंने बढ़ा दी, अब लोगों के पास बिजली खरीदने का पैसा नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें बिजली उन्हें, अगर उनके जनजीवन को सामान्य चलाना है, एक इंसान को पंखा और लाइट की एक मूलभूत आवश्यकता है, उस आवश्यकता को बिना उसको फ्री बिजली दिए पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा में पैसे की जरूरत है, इसलिए कन्या विद्या धन योजना दी जाती है ताकि महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हो सके। वृद्धा पेंशन योजना हम लोग देते हैं, ये तो बीजेपी भी दे रही है, ग्रेजुएशन तक बच्चियों को तो ग्रेजुएशन दे रही होगी, मुझे नहीं मालूम कहाँ दे रही है। वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिल रहा है क्या? 60 लाख लोगों को पेंशन देते थे, वो वृद्धा पेंशन योजना महिलाओं को सीधे खाते में जाती थी, वो आज नहीं पहुँच रही है। अच्छा, इनसे पूछ लीजिए खुद, इनके पास कोई आंकड़े हो तो बताएं। आप बताइए ना, कहाँ नहीं पहुँच रहा? नहीं पहुँच रही है महिलाओं के पास पेंशन, महिलाओं के पास पेंशन नहीं पहुँच रही है। जो भी डाटा है, हम लोग डायरेक्ट पेंशन योजना देते थे, डायरेक्ट महिलाओं को मिलती थी। जाइए सारी चीजें आप बताइए, हमारी सरकार ने 108 का क्या हुआ, 102 का क्या हुआ, 100 नंबर का क्या हुआ, ये सारी चीजें दिख रही है। अच्छा, ये कहते हैं क्राइम में, वाले बातें क्राइम में अभी बात यहाँ मुद्दों पे है। एनसीआरबी की कहना है कि एनसीआरबी का कहना है कि बलात्कार में नंबर 2 पे है यूपी राजस्थान के बाद, हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, अपहरण में नंबर 1 पे। आज के डेट में एनसीआरबी का डाटा है, चाहे तो नितिन जी देख ले, अभी लेटेस्ट डाटा जो आया है, हत्या और अपहरण में उत्तर प्रदेश 1 पर है और दुष्कर्म के मामलों में नंबर 2 पे है। चलिए मैं आता हूँ आप लोगों के पास, फिर से मैं आता हूँ सुभाष जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये उत्तर प्रदेश में ये जो मुफ्त की राजनीति शुरू हो गई है, वायदे करने का सिलसिला जो शुरू हो गया है कि ये मुफ्त में ले लो, वो मुफ्त में ले लो, क्या इससे वोट मिलेगा राजनीतिक दलों को? और क्या ये जो वायदे किए जा रहे हैं इनसे कुछ फायदा है या बस वायदे ही वायदे हैं? देखिए, आपका सवाल के जवाब देने से पहले मैं चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। सियासत तुम्हारे नाम पर होगी, ये मैं उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करना चाहता हूँ आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। सियासत तुम्हारे नाम पर होगी, योजनाओं का लाभ तुम्हें दिया जाएगा, बेवकूफ बस उन्हें बनाया जाएगा जिनसे वोट लिया जाएगा। अच्छा, मैं इसके अंदर सभी पार्टियों को शामिल करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये लोग जो मुफ्त खोरी की जो राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक मुफ्त खोरी की लत लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि कई बीमारियां होती है अभी कोरोना। देखिए, आपके 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 कमेंट से पहले ही ये इमरान भाई जो है अपने वो हाथ उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। मैं आऊंगा इमरान भाई आपके पास। मैं उसी पर आम आदमी पार्टी वाले जो हाथ उठा रहे हैं, इन्होंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी, और इन्होंने ये भी बोला कि नियत में चोर यहाँ की गवर्नमेंट में। तो मैं आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी नियत में चोर नहीं है, तो अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के अंदर आपने ये घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो वहां पे हम बेरोजगारों को 5,000 भत्ता देंगे। अरे भैया, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप वहां पे क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता देते? आप तो खुद बेवकूफ बना रहे हैं, यानी आपकी नियत में खुद चोर है। तो सबसे पहले आप अपनी नियत को संभालें, उसके बाद किसी और नियत के ऊपर आप आक्षेप करें जी। दूसरा, मैं यहाँ पे आना चाह रहा हूँ कि बीमारियां बहुत सारी होती हैं, कोरोना हो गई, डेंगू हो गई, फलाना ढिमका, जितनी बीमारियां हैं, लेकिन इन सबसे अगर कोई गंभीर बीमारी है तो मुफ्त खोरी की बीमारी। ये लोग मुफ्त मुफ्त बोलकर उत्तर प्रदेश की जनता को एक ऐसी गंभीर बीमारी दे रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप मुफ्त देना चाहते हैं तो उच्च शिक्षाओं के अंदर मुफ्त कर दीजिए आप जी। आप अगर मुफ्त करना चाहते हैं तो चिकित्सा पूरी तरह से मुफ्त कर दीजिए। इन सब चीजों के बारे में आप बिल्कुल नहीं देखते। आप 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, बिजली भैया कहां से लाएंगे आप लोग? अपने घर से लाएंगे, वो भी तो आप कहीं ना कहीं सरकारी खजाने के ऊपर ही बोझ डालेंगे लोगों को फ्री की लत पकड़ा के, और वो खजाना खाली करके आप लोग जाएंगे तो जो पूर्ववर्ती सरकारें खाली करके आती हैं, नई सरकार कहां से भरेगी? जवाब ले ले, एक मिनट रुकिएगा सुभाष जी, मैं जवाब ले लूं फिर मैं आ रहा हूं आपके पास जी। इमरान भाई, क्या कह रहे थे आप? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विधायक को, मंत्री को, सांसद को और तमाम जो राजनीति में जो लोग कामयाब हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अगर फ्री में बिजली मिलती है तो वो मुफ्तखोरी नहीं है।
अगर उनको फ्री में सुविधाएं मिलती हैं तो मुफ्तखोरी नहीं है, जबकि वो पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है जो टैक्स के रूप में जनता देती है। लेकिन अगर वही टैक्स का पैसा जनता को फ्री बिजली के रूप में वापस हो जाए, अच्छी शिक्षा के रूप में वापस हो जाए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में वापस हो जाए, तो ये मुफ्तखोरी का नारा लोग बुलंद करना शुरू कर देते हैं। दरअसल नहीं था इमरान लतीफ जी, मेरा सवाल वो नहीं था, आपने जो बोला था कि नियत में चोर है, मैं उस पे आता हूँ। अभी आपने जी सुभाष जी आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ। इमरान भाई आ रहा हूँ जी, सुभाष जी बताइए, आप लोगों ने जो उत्तराखंड में घोषणा की क्या वो गलत है? 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने की गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने आपके सारे सवाल समझ लिए हैं, मैं सारे सवालों का एक एक करके उत्तर दे रहा हूँ। आपकी सरकार वहाँ पे बेरोजगार, मैं आपको एक एक कर का उत्तर दे रहा हूँ। दिल्ली के अंदर सर्विस कमीशन जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। वहां पे नौकरियों के सृजन का काम दिल्ली गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, पहले ये जानकारी आपको इजाफा कर लेना चाहिए। बिल्कुल यही तो मेन मुद्दा है। जहां तक आप चुनावी वादे करते हैं दूसरे राज्यों में जाके, जहाँ 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 पूर्ण राज्य है, अच्छा मतलब दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित है, तो वहाँ पे जो चीज नहीं कर सकते वो दूसरे प्रदेशों में लोग करते हैं। निश्चित तौर पे यही चीज है, दिल्ली में ये चीज जो नहीं कर पा रहे, जो इनके अख्तियार में नहीं है, वो चीज ये जानबूझकर दूसरे राज्यों में, फिर ये बोलते हैं कि हम वहाँ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि केंद्र शासित। देखिए जो पूर्ण राज्य है, जो पूर्ण राज्य हैं, वहां पे जो सर्विस कमीशन है, नौकरियां सृजित करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उत्तराखंड में हमारी सरकार आएगी, बिल्कुल हम नौकरियां देंगे क्योंकि वहां पे हमारे पास अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम आएंगे तो हम बिल्कुल देंगे क्योंकि हमारे पास अधिकार होगा। जो चीज हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की है वो वादा हम दिल्ली के अंदर नहीं कर सकते। दिल्ली में बिजली हम फ्री दे सकते थे, हमने वादा किया, हमने फ्री दिया। हमने दिल्ली के मैनिफेस्टो में यह नहीं रखा था कि हम 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे करती है उससे ज्यादा करके वो दिखाती है सरकार में आने के बाद। हमने फ्री बस यात्रा का महिलाओं के लिए वादा नहीं किया था दिल्ली के अंदर, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने वो काम भी करके दिखाया। दूसरी बात जो आपने कही थी कि मुफ्त में बांटकर सरकारी खजाने को खाली करने का काम करेगी आम आदमी पार्टी या जो भी सरकार आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं 2015 में सुभाष जी जब हमारी सरकार आई थी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली का जो सालाना बजट था वो 30,000 करोड़ था, और आज के समय में जो दिल्ली का सालाना बजट है वो 69,000 करोड़ है। हमने दिल्ली के बजट को दुगने से ज्यादा करने का काम किया। और एक चीज और नोट कर लीजिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार देश की ऐसी सरकार है जो जब से सरकार में आई है तब से मुनाफे का बजट पेश कर रही है। दूसरी कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी नहीं जिसने मुनाफे का बजट पेश किया हो। यह अगर आज संभव हो पा रहा है दिल्ली के अंदर तो सिर्फ इस वजह से हो पा रहा है कि वहां पे एक नेक नियत वाली सरकार बैठी हुई है, सरकार में ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, जो वहां की ब्यूरोक्रेसी है, जो वहां के अधिकारी हैं सब वही पुराने वाले हैं। सिर्फ मजबूत और ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति के लोगों ने वहां पर कमान संभाली है। इस वजह से आज हम वहां विश्व स्तरीय स्कूल बना पा रहे हैं, विश्व स्तरीय अस्पताल बना पा रहे हैं, महिलाओं को बस यात्रा फ्री में दे पा रहे हैं, किसानों को देश के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा दे पा रहे हैं, बिजली फ्री में दे पा रहे हैं, पानी फ्री में दे पा रहे हैं। तो और जहां तक बजट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कैसे होगा भाई? मेरी बात सुनिए, आपने जो स्टडी करी वो अच्छी बात है कि आप लोग बता रहे हैं कि पूरी एक्सरसाइज हमने करी है, लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली कंपनियां हैं वो लगभग बैंकरप्ट हैं। हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से वो घाटे में हैं, उस पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है। नितिन जी, हम बता रहे हैं कैसे पॉसिबल है। अगर दिल्ली का बजट आज 69,000 करोड़ है तो उत्तर प्रदेश का बजट 5,50,000 करोड़ है। और जब दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार में आए थे तो वहां की भी बिजली कंपनियों की हालत उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा खराब थी। अच्छा। तब ये जब हमने वहां वादा किया था तब भी कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण ये बात कहते थे कि आप कैसे करेंगे, कैसे करके दिखाएंगे। तब भी हमने यही बात कही थी कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के दम पर, ईमानदारी की राजनीति के दम पर, नेक नियति की राजनीति के दम पर हम करके दिखाएंगे, और हमने बिल्कुल करके दिखाया। याद करिए नितिन जी, याद करिए, हमने वादा किया था बिजली के दाम आधे करने का, लेकिन हमने बिजली फ्री करके दिखाया दिल्ली के अंदर। तो अगर नेक नियत लोग सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से संभव है। उत्तर प्रदेश का बजट दिल्ली की तुलना में कहीं ज्यादा है, अगर यहां ईमानदारी से काम किया जाए, नेक नियति से काम किया जाए, तो बिल्कुल संभव है। ठीक सर, मैं आता हूं। सुभाष जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं धनंजय के पास चलूंगा। जी बताइए। नितिन जी, पहले तो इन्होंने, आम आदमी के प्रवक्ता जी ने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया जी। इन्होंने जो नौकरियों की बात की थी, हां मानता हूं कि नौकरियों का जो इनके पास नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी वाला इन्होंने अनाउंसमेंट किया उत्तराखंड के अंदर,
ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन ही आता है, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी सवाल को इन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। दूसरा मैं आना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बात बोली थी कि विकास की गंगा बह रही है। अरे भाई साहब, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ से 9 किलोमीटर दूर फैजुल्लागंज नामक एक क्षेत्र है लखनऊ के अंदर, शायद आप भी जानते होंगे, वहां पे लोग छतों पे अभी भी रहने को मजबूर हैं, वहां तो कोई विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, क्यों ऐसा, क्या है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा प्रवक्ता से, वहां पे तो अभी भी लोग छतों पे रह रहे हैं, लोग नावों के अंदर चल रहे हैं। हम चांद पे जाने की बात करते हैं, मार्स पे जाने की बात करते हैं, यहाँ तो नाव के ऊपर हम सवार होकर अपने घरों पे जा रहे हैं। क्यों, क्या ये दिक्कत, विकास क्या की गंगा बह रही है? दिक्कत मुझे हंसी आ रही है सवाल पूछते हुए, ये विकास की गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी की? दिक्कत क्या है वहां पे, ऐसा क्या हो रहा है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बताएंगे, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में, सत्ता पक्ष के हैं, विधायक भी उन्हीं का उत्तर। उनको इस चीज की जानकारी नहीं है सुभाष जी, आप बताइए। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको बताइए, आगे चर्चा की जाएगी। धनंजय जी, पूरे न्यूज चैनलों पे चला है और प्राइम टीवी एक प्रतिष्ठित चैनल है, उस चैनल पर भी चला है। मुझे अगर ऐसा कुछ है, देखिए बारिश का मौसम होता है, दुर्भाग्य से अगर कोई अगर कुछ घटना या कुछ हो जाता है तो एक अलग विषय है, बाकी सरकार जो है लगातार लगातार चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम सबको प्रधानमंत्री, नहीं नहीं वो जो समस्या बता रहे हैं पहले हमने सबको घर दे रहे हैं और दिए भी हैं। जी धनंजय जी, बारिश का महीना साल भर में एक बार आता है, 3 से 4 महीने बारिश होती है, एम आई राइट? जी, साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। अब आप ये बताइए कि बारिश के महीने को अगर मैं काउंट कर दूं, बाकी के जो दिन बचे हुए, बाकी के दिनों के अंदर भी वहां पे लोग जल भराव की स्थिति के अंदर ही रहते हैं, डेंगू जैसी महामारी फैलती है, ये विकास है आपका? अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो आप मेरे साथ चलिए, देखिए वहां की लोगों की परिस्थिति, वो लोग किस तरह वहां पर रहने के लिए मजबूर है, और इसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है, आपके वहां के स्थानीय विधायक नीरज वोरा जी हैं। अगर ऐसी कुछ है तो सरकार को आप बताइए। ऐसा कुछ है नहीं, वास्तविकता ऐसी, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे साथ चलिए, आप देखिए मौके पे चल के देखिए, आप विश्लेषण है, आप उस चीज को बताइए। आप सरकार तो सीधा सबका सुझाव ले रही है, आप अगर कुछ आप जो हमें बता रहे हैं वो जैसे आप चैनल के माध्यम द्वारा आज आपने बताया, आप ये चीज बताइए। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता किया था, वहां एक पत्रकार महोदय ने, मैं बैठा था वहां, उन्होंने बोला, उन्होंने तुरंत उसका जवाब दिया। तो आप अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी बातों को रखिए। देखिए हमारी सरकार अगर कहीं कुछ अगर किसी कारण तो अगर छूट रहा है तो बातों को पूरा भी कर रहे हैं। धनंजय भाई उन्होंने बात रखी तो धनंजय जी, अगर कुछ है तभी बता रहे हैं। आपने जो बातें बताई है उसके बारे में आगे भी चर्चा देखा जाएगा अगर ऐसी कुछ है, मगर मैं बताना चाहूंगा कि आज से 6 साल 5 साल पहले जहां पे खुशी बहुत जगह पे बहुत सारी बीमारियां होती थी, बहुत सारे जो है आपके जो है बच्चे मारे डेंगू जो आप बता रहे हैं, मगर पहले से हमारी सरकार ने सुधार किया है। गोरखपुर खुशीनगर आप जाएंगे जहां पे 1.5-2 लाख 100 बच्चे मारे, सुरक्षा किया है। जी मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके आवास से महज 9 किलोमीटर दूर उस राजधानी क्षेत्र के अंदर अगर ये हालत हो रही है, आप नहीं, मैं भी आप इंटरप्ट करूंगा धनंजय आपको, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों की मौत नहीं हो रही, तो आप कहीं ना कहीं फिरोजाबाद भूल चुके हैं, आप आगरा मथुरा ये सारी जगह भूल चुके हैं, मैं क्या बोला, गोरखपुर को। सरकार लगातार स्वास्थ्य की चिंता कर रही है और सरकार लगातार काम भी कर रही है। सर मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग सुनिए मेरी बात, सुनिए काम कर रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग हम यहाँ कोई सुनिए, आप बीते 4 साल से संचारी रोग अभियान चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं बीमारियों से, तो ये सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों पर खड़ा होता है, मैं गलत हूँ? देखिए मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले ही बात बताया कि जो अगर इस तरह घटना हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा, मगर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज की डेट में देखा जाए तो लगातार हम स्वास्थ्य के लिए ही काम कर रहे हैं, कोरोना जैसे महामारी बीमारी में हमने देख लीजिए चौबीस करोड़ की संख्या यहाँ रहती है, आप काम कर रहे हैं, 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं मरे हैं, आप दिल्ली जाके देखिए, दिल्ली में टोटल जो है रहते होंगे, मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे 20 लाख लोग रहते होंगे तो जाके देखिए वहाँ पे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारी बदनसीबी है कि उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें हो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो शांत रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार का नतीजा है, नगर निगम इनके पास है, राज्य सरकार इनके पास है और केंद्र सरकार इनके पास है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद लखनऊ जैसा महानगर, जिसको ये कहते हैं बहुत स्मार्ट सिटी है, उसकी ये दशा है, आपके सुभाष यादव जी ने बताया है, ये लगातार ये वो है नगर निगम नहीं, उसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। नहीं हम लोग ये लोग नगर नहीं ये लोग लगातार सुनिए ये सुनिए ये नगर निगम में लगातार पिछले 15 सालों से नगर निगम में लगातार ये लोग हैं
और राज्य केंद्र सरकार भी इनकी 7 सालों से है। जाएगी हमें ये बताइए, वो 15 साल से थे, बीते 5 साल आपने इसमें जो नगर निगम, सुनिए, इसके लिए जिम्मेदार नगर निगम का करप्शन है, जो कि वो करप्शन इतना ज्यादा इन्वॉल्व है उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। ना ना, मुझे एक चीज बताइए, आप 5 साल पहले आप सत्ता में थे, आपने पूरे 5 साल काम किया और मजबूत स्थिति में आपने काम किया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं काम किया, सुन लीजिए, अच्छा मैं वही कह रहा हूँ, मजबूत स्थिति में आपने काम किया क्योंकि आप लोग ये कहते भी हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह के आरोप अगर आप अभी की सरकार पे लगा रहे हैं कि 15 साल से नगर निगम में वो काबिज हैं, तो कहीं ना कहीं आपके काम देखिए ये परेशानी हम लोग ये परेशानी आप वाले बैठे इनको दिल्ली में भी आ रही है। एमसीडी सपोर्ट नहीं करती है, नगर निगम जब राज्य सरकार को सपोर्ट नहीं करती, जो बजट जाता है उनका साथ लेने लगे। नहीं, मैं उनका साथ नहीं ले रहा, जो बजट जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जाने के बाद फाइनल एंड नगर निगम होता है, और जब वहाँ का करप्शन जो है, वहाँ का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से जवाबदेही किसकी होती है ये बता दीजिए। मैं जवाबदेही नगर निगम की है, पार्षद स्थानीय विधायक की नहीं होती है, स्थानीय विधायक भी इन्हीं का, अफसोस की बात तो यह है कि स्थानीय विधायक भी इन्हीं का है, सब चीजें इनकी हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो भाजपा की नहीं है। ना ना, 5 साल पहले आपने 15 साल का काम बता दिया कि 15 साल से ये लोग काबिज हैं। 5 साल पहले तो आपका ही कोई बंदा वहां पर होगा। 5 साल पहले भी विधायक इनका था, आपका नगर विकास मंत्री था। हाँ, नगर विकास मंत्री था। जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती, कोशिश की गई है, काफी विकास किया गया, लेकिन विकास कंटिन्यूस प्रक्रिया होती है, अगर उसे जारी नहीं रखेंगे आप तो वो परेशानी आएगी। एक मतलब निरंतर प्रक्रिया होती है, उसे जारी रखना जरूरी होता है। ना ना, अगर इस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में है, राजधानी लखनऊ में है, तो मुफ्त की चीजें अगर आप लोग कुछ दे रहे हैं तो भैया वो आप लोग को खुद मुबारक है। पहले ये स्थितियां सुधारिए, गलत बात है, मुफ्त की बात नहीं है। भारत एक स्टेट, कल्याणकारी स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी गरीब जनता को आप फीडिंग करें। ऐसा नहीं कि आप उसे गरीब जनता को आप मरने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम लोग एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं। अगर ये संविधान लोग भूल गए, जैसा कि भाजपा भूल जाती है, आपको प्रस्तावना भूल जाती है कि समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य हैं। आजम भाई, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मानना है, हम लोग समाजवादियों का मानना है कि हम संविधान की व्याख्या अपने ढंग से नहीं करते, जो संविधान कहता है वही करते हैं। आपको पता है, आप 15 साल का काम गिना रहे, लेकिन कोरोना में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, उनकी तारीफ जगह जगह हो रही है, धनंजय बता। हाँ, तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही होती है तो भाई साहब, जो गंगा में लाशें यहाँ कानपुर से लेके पटना तक मिली है, आप सब लोगों ने दिखाई है, क्या वो लाशें तारीफ की चीज है? अगर लाशें तारीफ की चीज है तो तारीफ का कोई पैमाना ही नहीं रह गया है। ये आपके जो विश्लेषक महोदय हैं, शायद वो भी सहमत होंगे कि वो तो, और ऑक्सीजन के लिए जो लोग सड़कों पे मर रहे थे, सबने देखा है, हमने नहीं, सबने देखा है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तमाम मशीनरी इनकी केंद्र सरकार राज्य सरकार लगी हुई थी, लेकिन जनता को 2 महीने ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप चाहे इनकार ना चाहे इनकार सकते हैं, लेकिन क्या कमी रह गई थी इन सब, सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल नहीं मिल पाया। मैं जवाब ले लूं जी धनंजय, बताएं, ये जो चीजें बता रहे हैं कि आप लोग जो बातें कह रहे हैं वो बातें सही नहीं है, गंगा में लाशें तैर रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, और उसके बाद जो स्थितियां बनी है कोरोना के बाद से, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ नहीं है। दूसरी चीज, जो मुफ्त देने की बातें कही जा रही हैं, क्या वो मुफ्त देने की बातें कितनी सही है? अगर चीजों को मुफ्त ना देकर जो सिस्टम है उसे सुधारा जाए, जो राजधानी लखनऊ के हालात है उसे सुधारा जाए, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों के हालात है उसे सुधारा जाए, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सुधर सकता है। देखिए नितिन जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे सपा के पैनलिस्ट जी जो बैठे हुए हैं, प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं, सब हवा हवाई बातें कर रहे हैं। देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे देखिए इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। देखिए, अगर आज की डेट में देखा जाए तो चाहे आप स्वास्थ्य की ले लीजिए, चाहे आप गाँव में ले लीजिए, चाहे जमीन पर, चाहे जो भी, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कि सरकार लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। और देखिए अब ये जाए, देखिए मैंने वही बोला ना कि देखिए अपनी बातें तो बोल लिए, दूसरी की बातें सुनने की आदत नहीं है, दिक्कत यही है ना, सुनना चाहते नहीं है पूरा समय, तो बस यही है कि भैया हमें एक बात पकड़ना है। ना ना सर, आप मुद्दे पे रहिए, बताइए क्या कह रहे थे। हर मुद्दों पे, चाहे आप स्वास्थ्य की ले लीजिए, आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में जिनमें से देखिए, चाहे अस्पताल देख लीजिए, गांव में देखिए, स्वास्थ्य हमने सीएससी वहां पे जा देख लीजिए। तो ये लोग जो मर रहे हैं डेंगू से, कोविड से, ये लाशें कहां बाहर अफगानिस्तान से आती हैं क्या? देखिए, अब उस चीज के बारे में दवा हो रहा है, हर चीज में लगे हुए हैं, डॉक्टर हर जगह लगे हुए हैं। अच्छा, अगर दुर्भाग्यपूर्ण
कहीं अच्छा आपके डॉक्टर कहाँ लगे ये भी नहीं दिखाई देता है। किसी भी गांव में किसी भी सीएससी पीएससी पे आप चले जाएंगे डॉक्टर नदारद मिलेगा, चाहे तो आप आकस्मिक निरीक्षण कर सकते हैं। ये सब बातें 5 साल पुरानी बता रहे हैं। अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा था कि हम 15 साल पहले की बातें बता रहे हैं, तो हम 5 साल वाली पहले तो नहीं की सरकार थी ना, तो 5 साल पहले वाली उन्होंने बातें बोल दिया। मगर मैं अब बताना चाहूंगा कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभाग सब अच्छा हो चुका है, जो कि देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल से लेकर सब चीजों में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सब चीजों को सही और दुरुस्त किया है। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। इमरान, काफी देर से आप शांत है, जाहिर सी बात है बहुत सी बातें आपके मन में इस वक्त होंगी, जवाब बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो गई हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो गई हो, अगर उन स्थितियों को सुधारा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम ये चीज मुफ्त दे रहे हैं, हम वो चीज मुफ्त दे रहे हैं, हम उस पर छूट दे देंगे, हम उस पर छूट दे देंगे। देखिए नितिन जी, जो जनता का मूलभूत अधिकार है, जो मूलभूत जरूरत है, उसको सरकार को उपलब्ध कराना जनता को, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था होती है, तो जितना लोक कल्याण सरकार अपने माध्यम से कर सकती है उतना उसको करना चाहिए, चाहे कम दाम में चीजों को उपलब्ध कराने की बात हो, अगर सरकार सक्षम है कि फ्री में उपलब्ध करा सकती है और सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा तो बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की स्थिति की है, तो हमने देखा है कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश में देखा गया कि किस तरीके से जो मोक्ष वाहनी गंगा है वो शव वाहनी बन गई, किसी से छिपा नहीं है। हमने देखा है कि वेंटिलेटर की कमी की वजह से, अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान उत्तर प्रदेश के अंदर गवाई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, ये पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे, मैं सिद्धार्थनगर जनपद से आता हूं और जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सिद्धार्थनगर जनपद के ही रहने वाले हैं। महीनों हो जाते हैं सिद्धार्थनगर के अंदर जो जिला अस्पताल है उसमें एक्सरे मशीन खराब होती है, लेकिन वो बदल नहीं पाती, समय से डॉक्टर्स नहीं आते, ये वहां की स्थिति है। सिद्धार्थनगर के सीएससीज में पीएससीज में चले जाइए, आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वहां पे जांचें नहीं होंगी, वहां पे दवाइयां नहीं उपलब्ध है। पूरी गारंटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूं। आपका बहुत ही रिप्यूटेड चैनल है, करोड़ों दर्शक इस समय देख रहे हैं, मैं बात कह रहा हूं कि जहां का स्वास्थ्य मंत्री है वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश का क्या नजारा होगा बेहतर समझा जा सकता है। जहां तक रही बात, बीजेपी वाले इस तरह की बात क्यों कहते हैं कि सब कुछ बेहतर है और विपक्षी आकर यहां पर खाली बरगलाने का काम करते हैं? देखिए, अब मैं तो उदाहरण के साथ बात कर रहा हूं, मैंने तो स्थान भी बता दिया, जगह भी बता दिया, आप अपने रिपोर्टर को देखे जहां जाके वहां पे जो जमीनी हकीकत है उसका आकलन करवा लीजिए। अब जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी सिर्फ मुफ्त की बात नहीं कर रही है। आज दिल्ली के अंदर जो हमने सरकारी स्कूल बनाए हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि दिल्ली का जो सबसे महंगा प्राइवेट स्कूल है उससे अभिभावक अपने बच्चों का नाम कटवाकर हमारे सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं हो रही, सिर्फ देश के अंदर नहीं हो रही, पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, ये सपा वाले कह रहे थे कि दिल्ली में सब कुछ अच्छा है, अभी उन्होंने कहा था किसी चीज पर, तो अभी ये भी उन्होंने कहा था कि हम भी 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दे देंगे, तो ये तो आपके कंपटीशन में आ गए। नहीं, अगर ये मुफ्त में बिजली देते हैं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो पहले कहा, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है और इस आंदोलन का मकसद है कि राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन किया जाए। आम आदमी पार्टी सिर्फ इस उद्देश्य से नहीं आई है कि हमको सत्ता परिवर्तन करना है, हमको सत्ता पाना है, हमको मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, यह आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है। मैंने तो पहले ही कहा समाजवादी पार्टी फ्री कर दे, भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, 5-6 महीने बचे हैं, अभी वो फ्री कर दे, हम उनके उस फैसले का स्वागत करेंगे। दिल्ली में कोरोना जब था तो क्या स्थितियां थी? दिल्ली के अंदर कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से दिल्ली सरकार से जितना बेस्ट हो सकता था किया। सर, नहीं दिल्ली किया, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ सुनिए, मेरा दिल्ली में ही हुई थी। मेरा सबसे एक खास मित्र, उसके एक रिलेटिव थे जिनको एडमिट करवाने को लेकर मैं रात से लेकर सुबह तक लगा रह गया था, लेकिन दिल्ली में वो एडमिट नहीं हो पाए थे, फिर काफी प्रयास करने के बाद उनको जाकर नोएडा में एडमिट करवाया गया था। देखिए नितिन जी, दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनाया गया, इस हकीकत को आप नहीं छुपा सकते हैं। दिल्ली के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मरीजों को एडमिट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सोने की चम्मच से खाना खिलाने का मतलब ये नहीं कि पेट भर जाएगा। देखिए, दिल्ली की अपनी एक कैपेसिटी थी,
आज भी दिल्ली की दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका फायदा पूरे देश के लोग ले रहे हैं, उस पर हमको फक्र है, गर्व है कि हमने ऐसी व्यवस्था वहां करी कि पूरे देश के लोग वहां का फायदा उठा रहे हैं। सोने की थाली और सोने की चम्मच अगर आपके सामने रख दी जाएगी तो पेट नहीं भरेगा। आप अस्पताल की बात कर रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि मैं उसका गवाह हूं, मैंने खुद उस चीज को देखा है। चलिए मैं धनंजय के पास जाता हूँ। धनंजय, उत्तर प्रदेश में ये जो आप लोगों ने नदियों में जो चीजें जो निकल के सामने आई थी, जो तस्वीरें आई थी, उससे बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं थी, दिल्ली की ज्यादा बेहतर थी, जैसा कि अभी इमरान बता रहे हैं कोरोना में। और इसके अलावा जो अन्य चीजें उन्होंने बताई कि जो सीएससी पीएससी है वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें खराब हो जाती हैं तो मशीनें नहीं लग पाती हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए नितिन जी, मैं बार बार बोलना चाहूंगा, देखिए सरकार हमारी लगातार काम कर रही है और हर मुद्दे पे जो हमारे इमरान जी बता रहे हैं, आप किस बेस पे बता रहे हैं ये तो मैं ही जाने। अरे अरे धनंजय भाई, मैं तो सिद्धार्थनगर का नाम ले रहा हूँ, जिला अस्पताल में जाके देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ज्यादा सुरक्षा हुआ, मतलब सुस्त और दुरुस्त हुई है। किस प्रदेश की बात कर रहे हैं? और रहा सवाल दिल्ली का, किस प्रदेश की बात? अगर मैं दिल्ली, अगर दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो कोरोना काल में पूरे दिल्ली में इन्होंने कहा बेहतर हो गई है। जब दिल्ली की बात ना करिए, दिल्ली की तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, आज एक सबसे बेहतर सरकार के रूप में भाई ये सारी जो चीजें बेहतर हो गई, इसका डाटा भले आपने आजम खान साहब को दिया हो, मुझे तो नहीं पता उन्होंने दिया कि नहीं दिया कि हमारे यहाँ सब कुछ बेहतर हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं उलट है, ये मानिए। बताया ना इनकी होर्डिंग्स, मैं आपको उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी होगी शायद। नितिन जी, मैं यही बार बार बोलना चाहता हूँ, खुद बता रहे लगातार सरकार, लगातार सरकार स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। आज की डेट में हमने 30 से ज्यादा एम्स तैयार किए हैं, जिनमें से 7 एम्स हमारे चल रहे हैं, बाकी और लगातार काम चल रहे हैं। तो देखिए, हम लगातार स्वास्थ्य के लिए हर जिलों में, हर जिला मुख्यालय पे हमने एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं लगातार, जिनमें लगभग नहीं तो देखा जाए तो 50 से मुझे लगभग तैयार भी हो चुके हैं। तो लगातार सरकार तैयार हो गए, धनंजय भाई इसको जरा हमको बता दें, कितने मेडिकल कॉलेज तैयार, कितने आपने मेडिकल कॉलेज तैयार कर दिए पूरे प्रदेश के अंदर? देखिए पूरे, आप मुझे पांच के नाम बताइए, पांच के नाम बताइए, पांच उन जिलों का नाम बताइए जहां पे आपने नए मेडिकल कॉलेज बनाए, पांच के बताइए। आप 50 कह रहे हैं, मैं पांच का पूछ रहा हूं। नितिन जी, इनसे पांच मेडिकल कॉलेज का नाम पूछिए कि किस किन किन जिलों में बनाया, जो इन्होंने पांच बनाया सिर्फ पांच के नाम बताए, नाम बदलने सिर्फ पांच के बताइए। देख लीजिए इलाहाबाद में चल रहे थे और एक बन गया, बगल में आप भदोही देख लीजिए, मिर्जापुर, अरे हवा हवाई आप बोलते चले जा रहे हैं। इमरान जी, हवा हवाई बोलते, आप जिले का नाम मैंने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है जिन जिलों में आपने मेडिकल कॉलेज बनाए उनके नाम बताइए। मुझे तो पता ही, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कोई भी जिला जुमलेबाजी, दरअसल जुमलेबाजी इस पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय जुमला पार्टी के बारे में सिर्फ जुमला फेंकने का काम करते हैं, इनको सिर्फ जुमले से मतलब है, ये कभी 15 लाख रुपए दे देते हैं, ये कभी 15 लाख रुपए दे देंगे, ये कभी जो है बताएंगे 50 मेडिकल कॉलेज बना दिए गए, ये कभी बताएंगे कि पूरे देश को फ्री में राशन दे दिया गया, समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनाए थे उसी के नाम बदल के रंग रोशन कर दिया है और वही बता दिया है कि नए बन गए। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था, बजट दिया था, जो कि भाजपा के काल में चल जाना चाहिए था। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, 5 साल में वो मेडिकल कॉलेज नहीं चला, इनकी हम लोगों ने उसे बनवाना शुरू किया था, लेकिन 5 साल की सरकार में आज जौनपुर का मेडिकल कॉलेज चल के स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन नाम उसका बदल गया, इनके किसी भाजपा नेता के नाम पे उसका नाम रख दिया गया। जैसे 100 नंबर को 112 कर दिया, क्योंकि 100 नंबर की गाड़ियां रोड पे नहीं चल सकती हैं, तो 100 नंबर जिस पे लिखा हुआ वो डॉकयार्ड में खड़ी हुई है, यानी अच्छी पुलिसिंग उत्तर प्रदेश जनता को मिल सकती थी, लेकिन चूंकि 112 नहीं लिखा हुआ, बहुत अच्छा 112 नहीं लिखा हुआ, इसलिए सुनती और हमने काम नहीं, हमने झूठ की राजनीति। अगर अगर धनंजय जी यही पैमाना है, इसका मतलब आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने सबसे बेहतर काम करके दिया, लगातार 3 बार हमने सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, और सत्य की राजनीति करते हैं और सच्चाई पे जीतना चाहते हैं। आप लोगों की तरह 15 लाख का ना हमने जुर्माना दिया था, ना हमने कोई ऐसा झूठ बोला था जनता के बीच में, जनता प्रोपेगंडा की राजनीति। मुफ्त में क्या हुआ? नहीं, हम लोग जो मुफ्त में दे रहे थे वो अब भी देंगे, जो पेंशन दे रहे थे जनता को नहीं, बच्चों को दे रहे थे भाई, नहीं जनता को कन्या वो क्या जनता मतलब वो क्या कहते हैं उनको विधवा पेंशन योजना दे रहे थे, 108 चलती थी तो महिलाओं के लिए जो था तो क्या सबको लाभ मिलता था ना, 102 था, 100 नंबर को इन्होंने 112 किया,
112 की वजह से बहुत सारी गाड़ियां आज भी डॉकयार्ड में पेंटिंग के लिए खड़ी हैं कि पेंट हो जाए तो वो निकल के आए। अब आप बताइए, उससे नुकसान नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश की जनता का? अच्छी पुलिसिंग मिल सकती थी। चलिए सर मैं आता हूँ। हाँ इमरान कुछ कह रहे थे आप भी। देखिए अभी धनंजय जी ने कहा कि ये सब करने से आप उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना लेंगे, यही अहंकार की भाषा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब अन्ना आंदोलन खत्म होने के बाद हमने पार्टी बनाई थी तो कांग्रेस के लोगों को यही अहंकार था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का मैं नाम नहीं लेना। धनंजय जी बात देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरा अपना डिबेट करने का कल्चर अलग है, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, तभी सही से आ पाएंगे। यही अहंकार की भाषा तब कांग्रेस की थी, तब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर थी, तमाम नेता ये कहते हुए फिरते थे कि अगर तीन विधायक जीत कर आ जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, कोई कहता था कि 5 विधायक जीत के आएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन दिल्ली की सम्मानित जनता ने आम आदमी पार्टी के वादों पर यकीन करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार बनाई, दूसरी बार बनाई, तीसरी बार बनाई और हमने बेहतर काम करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में हम दिल्ली से बेहतर काम करके दिखाएंगे, यह हम उत्तर प्रदेश की जनता से वादा करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातिवादी बंधनों से आजाद कराने का काम करेंगे, धर्म की राजनीति से आजाद कराने का काम करेंगे और मूल मुद्दों को उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र में लाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए ठीक है सर। सुभाष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाया मैं। ये आपने सब कुछ सुना, सारे बयान सुने, सारे राजनीतिक दलों के बयान सुने, सब अपनी अपनी जो पीठ है वो थपथपाने में लगे हुए हैं, कितना फायदा इससे होगा और कौन सा ऐसा बयान जो है आपको लग रहा है कि हाँ भैया ये ज्यादा बोल गए या ये ज्यादा बोल गए? नितिन जी मैं उत्तर प्रदेश की जनता को एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सारे पॉलिटिकल लोगों के जो झूठे वादे इनको देखते हुए, इनके झूठे वादों के आगे झूठ भी शर्मा जाए, हर चुनावी भाषण जनता को भरमा जाए। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? ये मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को ले रहा हूँ, एक को व्यक्तिगत को कटाक्ष। ये आजम खान कह रहे हैं, खाली बीजेपी के लिए कह रहे हैं। मैं आजम खान साहब पे भी आऊंगा अभी, मैं बिल्कुल आऊंगा उनपे। तैयारी कमाल की अदा आती है इन झूठे नेताओं को, जहां नदी ना हो वहां इन नेताओं द्वारा पुल बनाने का मुद्दा भी गर्मा जाता है। अच्छा अब मैं आता हूँ आजम खान साहब के ऊपर। आजम खान साहब अभी आपने बोला कि इस समय सत्ता पक्ष की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए फैजुल्लागंज की जो हालत है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास जो स्थित जगह उसकी जो हालत है, उसके लिए की सरकार कर लेती है। आप सुनिए आजम खान साहब जी, बताइए, सुनिए थोड़ा सा। अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने जो इनको जिम्मेदार ठहराया, 2017 से पहले क्या आपकी सरकार नहीं थी? हाँ या ना बताइए खाली। नहीं मैंने कहा थी, लेकिन नगर निगम हमारे पास। एक मिनट, मैं नगर निगम पे भी आऊंगा। आपकी जब सरकार थी, नगर विकास मंत्री आप ही के नाम राशि यानी कि आजम खान साहब थे, तब भी फैजुल्लागंज की हालत वैसी ही की वैसी थी, आप लोगों ने पहल क्यों नहीं की? अब आइए नगर निगम पर, नगर निगम पे वर्तमान जो पार्षद, उनका नाम लेके मैं बोलता हूँ, जगलाल यादव, जो कि इससे पहले सपा से जीते हुए थे। क्या सही बताइए? सपा से जीते हुए थे, आप रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा। अभी निर्दलीय है वो, लेकिन इसके पहले सपा से थे नगर निगम में, तब भी फैजुल्लागंज वार्ड नंबर 2 की हालत वैसी की वैसी थी। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं भागने के अब मैं नहीं, नहीं, तो नहीं, उस वक्त ना सुभाष जी, उस वक्त मेयर जो थी वो नहीं थी ना बीजेपी, वो बीजेपी मेयर से मतलब नहीं ना, क्या वार्ड के विकास की नहीं पास नहीं होती है? नितिन जी हर नगर निगम के अंदर, चाहे लखनऊ नगर निगम हो या प्रदेश का दूसरे महानगरों के नगर निगम हो या महानगर पालिका हो, वार्ड के विकास की निधि पास होती है, ऐसा नहीं कि नहीं पास होती है, दूसरे बजट भी पास होते हैं सरकार के द्वारा वार्ड के विकास के लिए। तब इनके पार्षद क्या कर रहे थे? तब इनके नगर विकास मंत्री क्या कर रहे थे? तब इनकी सरकार क्या कर रही थी? असल में क्या होता है कि दूसरों की सरकार के ऊपर अंगुली उठाना बहुत आसान होता है। अच्छा तो सदन में भी नहीं थे उस वक्त आप लोग? नहीं, नगर निगम के सदन में हमारी बहुमत नहीं थी। फिर वही बात, अरे आजम खान साहब पल्ला मत झाड़िए, मैंने आपके वार्ड पार्षद का नाम लेके बोल दिया। आजम खान साहब कह रहे वो सदन में पास होता है और हम लोग सदन में भी नहीं थे। बहुमत जिसका होता है उसका विकास के जितने भी एजेंडे आते हैं वहीं से पास होते हैं। मैं आपको आंकड़े दूंगा, दस्तावेज दूंगा, पास हुए बजट फैजुल्लागंज के लिए आपके नगर निगम के, आपके पार्षद ने काम नहीं किए। आइए आप मुद्दे पे, पार्षद ठेकेदार नहीं होता, लोग जो फैजुल्लागंज पे किसी और दिन पे डिबेट करते हैं, अभी जो मुद्दा चल रहा है हम चाहेंगे उस पर भी आप आइए। उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ नितिन जी, लेकिन ये उन्होंने सवाल जब किया था, इन्होंने जैसे मैंने भाजपा के ऊपर आरोप तय किए ये बड़े खुश हुए थे, बहुत मजा आया था इनको, बहुत समर्थन किया इन्होंने मेरा, लेकिन जब इनकी बारी आ गई तो पीछे क्यों हट गए? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, जिसकी पार्टी कमियां है या जो गलतियां वो बता रहा हूँ। जब आप किसी और के ऊपर जब आरोप लगाया जाता है, जब खुश होते हैं आप, तो आप अपनी जिम्मेदारी को भी तय कर लीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी से आप भी नहीं भाग सकते,
इसीलिए किसी को आरोप प्रत्यारोप करने से पहले हमको खुद भी रखना पड़ता है। अब आ जाते हैं चुनावी वादों के ऊपर। आपने बड़ा अच्छा काम किया अखिलेश जी की आप तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। 2017 में आप क्यों हार गए? अच्छा काम किया था ना आपने। मैंने कहा ना, क्यों हार गए? गंडा और झूठ की राजनीति का शिकार पूरा देश हो गया था, उत्तर प्रदेश भी हुआ है। और मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सारे वादे सारी सब चीजें जो होती पूरी तरीके से झूठ होती है। वास्तविक जो मुद्दे होते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के, 24 करोड़ के आसपास हमारे प्रदेश की जनता है, लेकिन जब भी उनके वास्तविक मुद्दों के ऊपर बात आती है तो सारे दावे हवा हवाई हो जाते हैं। इसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी भी उतनी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी को मैं इसलिए नहीं कर सकता। नहीं, वो कुछ कह रहे हैं, हालांकि वो कुछ कहना चाह रहे हैं सुभाष जी। समाजवादी पार्टी जी, इमरान भाई क्या कह रहे हैं? इमरान भाई क्या कह रहे हैं? सुभाष भाई बड़ा अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को उनको मैं इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता आम आदमी पार्टी को। सर कुछ बात पहले हुई क्या आप लोगों की आपस में? वो है ही नहीं अभी तो। आप लोगों की कोई बात पहले आपस में हो गई है क्या? किसकी? आपकी और इमरान भाई की? नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। समाजवादी, मैं आम आदमी पार्टी को इसलिए दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ क्योंकि वो सत्ता में नहीं है ना जी। भाई चलिए, अच्छा वो कुछ कह रहे थे, एक बार मैं कुछ कह रहे थे के अंदर हो, कुछ कह रहे थे सुन लेते फिर आपके पास आते। सर क्या कह रहे थे इमरान भाई? सुभाष भाई की एक बात पे मुझे आपत्ति है कि जो ये आम आदमी पार्टी को वादों के मामले में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा कर देते हैं, उससे हमको बहुत एतराज है, उस पे हमको गंभीर आपत्ति है। सुभाष भाई मैं मुझे बात पूरी कर लीजिए फिर आप कहिए। मैं पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूं कि दिल्ली का आप चुनावी घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, वही हमारा पैमाना है। आप हमारा आकलन अगर करना चाहते हैं तो सटीक आकलन हमारा दिल्ली में हो सकता है। आप दिल्ली का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, जो 2015 में हमने दिया, जो 2020 के विधानसभा चुनावों में दिया। अगर एक सिंगल वादा हमसे छूट गया हो तो आप मुझे बाकी पॉलिटिकल पार्टी की कैटेगरी में रखिए, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली के अंदर 2015 में जो घोषणा पत्र हमने दिया था, 2015 से लेके 2020 तक हमने उन घोषणा पत्र में किए हुए वादों से ज्यादा काम करके दिखाया है। इस वजह से हमको किसी दूसरी पार्टी के साथ। सुभाष जी अपनी बात पूरी करिए। इमरान जी आपकी बात खत्म होने से पहले, इसके पहले आपने जो सवाल मुझसे किया या जो आपत्ति आपने दर्ज की, आपने शायद मेरा वर्ड नहीं सुना। मैंने ये भी बोला था कि आम आदमी पार्टी को इसलिए मैं दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता में ना तो इसके पहले रही है। मैंने पहले ही बोल दी बात। जी जी। आपको आपत्ति दर्ज कराने से पहले मेरा स्टेटमेंट सुन लेना था ना। अब दूसरा आ जाते हैं कि सारे नेताओं की बात या सारी पॉलिटिकल पार्टियों की बात। उत्तर प्रदेश एज ए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप दिल्ली को कंपेयर करेंगे ना तो दिल्ली हमारे लखनऊ के क्षेत्रफल के शायद लगभग बराबर होगा। पहली बात, सही बात है। दूसरा, वो प्रदेश की राजधानी नहीं है, वो दिल्ली हमारे देश की राजधानी, जहां पे उत्तर, जहां पे वीवीआईपी लोगों का आना जाना रहता है, उनका मूवमेंट रहता है। तो वहां पे अगर आप कोई नई फैसिलिटीज दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ी आपकी कामयाबी हो गई। जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर, पिछड़े राज्यों के अंदर जब आप आएंगे ना, तब आपको सही मायने में पता चलेगा कि हकीकत क्या होती है। इसलिए बोलना बड़ा आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। रही उत्तर प्रदेश की जनता की बात, तो मैं तो क्या समझता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता का ही दुर्भाग्य है जो उत्तर प्रदेश की जनता अपने पूरे मुद्दों से हट जाती है, जातिवादी समीकरण के ऊपर आ जाती है, मूलभूत सुविधाओं को भूल जाती है, धर्म पे आ जाती है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी झूठे वादों के अंदर नहीं आना है। स्थानीय मुद्दों को महत्व देना है और स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही एक अच्छे सच्चे और नेक उम्मीदवार को चुनना जो कि आपकी तकलीफों को विधानसभा के अंदर आकर मजबूती के साथ। ठीक है सर, बस आखिरी 30-30 सेकंड सबके पास हैं। मैं सबसे पहले धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगा, आखिरी क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या तैयारियां हैं, क्या रोडमैप है? देखिए नितिन जी, हमारी सरकार विकास के मुद्दे पे काम कर रही है, हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है, उसी मुद्दे पे लेकर हमारी सरकार आगे भी जाएगी और उसी मुद्दे पे हम दोबारा फिर से सरकार बनाएंगे। आजम भाई क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 का जो विकास का रोड मैप तैयार किया है उसी रोड मैप के साथ हम लोग हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि 2022 में जनता इस झूठे और जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंक के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। इमरान भाई और क्या तैयारियां हैं आगे, और क्या सुनने को मिल सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, रोजगार, किसानों का कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था का मामला छूट गया था पूरे डिस्कशन में, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट इस वजह है कि उत्तर प्रदेश में राजनेताओं का, माफियाओं का और पुलिस का गठजोड़ चलता है। आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी जब उत्तर प्रदेश के अंदर भी चलवाए, आम आदमी पार्टी जब उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी नितिन जी, तो ये जो माफिया नेता और पुलिस का जो गठजोड़ है इसको समाप्त करके जंगल राज खत्म करने का काम करेगी, कानून का राज बहाल करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी, और जो मूलभूत जितनी जरूरतें हैं स्कूल अस्पताल बिजली पानी सुरक्षा, ये आम आदमी पार्टी लोगों को मुहैया कराने का काम। सुभाष जी 30 सेकंड है सर, क्या सुना क्या समझा और क्या होना चाहिए असल? मैं तो सर कुछ बोलना नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा क्योंकि कोरोना की बात चल रही है, उसमें बोल नहीं पाया, समय भी कम है, मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूँगा क्योंकि उसके अंदर मेरा दर्द भी है। वो कोरोना का दौर था जब मैंने ऑक्सीजन पाने के लिए कुछ अपनों को खो दिया जी। वो कोरोना का दौर था जब मैंने ऑक्सीजन पाने के लिए कुछ अपनों को खो दिया, अब खुदा सब मुफ्त में भी अगर दे दे तो मैं क्या करूँ? सही, ये बात दिल्ली के लिए है कि यूपी के लिए? मैं सबके लिए कर रहा हूँ, सबके लिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बयानबाजियों का दौर चल रहा है और बयानबाजियों में अब कहीं ना कहीं मुफ्त की चीजें देने की जो बातें हैं वो ज्यादा जोर पकड़ रही हैं, चाहे बिजली की हो या फिर अन्य चीजों की है, चाहे राशन की हो या फिर रोजगार की हो, सब लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे साधना है, और साधने का सिर्फ एक तरीका नजर आ रहा है कि कुछ भी करके ये जो मुफ्त का शब्द है इसे हाईलाइट बोल्ड किया जाए, बड़ा किया जाए, ताकि लोगों को दूर से दिखाई दे जाए और जब वो वोट डालने जाए तब हमारा ही नाम, मतलब उस राजनीतिक पार्टी का नाम ही उनके जुबान पर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को और सरकार को सोचना सबसे जरूरी है, और उसी मुद्दे पर वोट डालना हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। आज की डिबेट में इतना ही, मधुजनमती नमस्कार।